प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमालय की गोद में बसे राज्यों के विकास के लिए एक समान मॉडल अपनाने पर जोर देने की बात कही है। जम्मू कश्मीर के कटरा में आज उधमपुर कटरा रेल लाइन के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने राज्य के विकास को रफ्तार देने और ज्यादा ऊर्जा मुहैया कराने की बात भी कही। बाद में प्रधानमंत्री ने उड़ी में 240 मेगावाट के एक दूसरे संयंत्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने पहले जम्मू कश्मीर दौरे पर आए नरेंद्र मोदी ने उधमपुर कटरा रेल लाइन का उद्घाटन किया। कटरा स्टेशन पर प्रधानमंत्री ने इस रूट की पहली गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने इस रेलगाड़ी का नाम श्री शक्ति एक्सप्रेस रखने का सुझाव भी दिया। प्रधानमंत्री ने रेलवे के विकास, प्लेटफॉर्म और स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए निजी साझेदारी पर जोर दिया। हम रेलवे के विकास में प्राथमिकता मेट्रो सिटीज, जम्मू जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन, उस रेलवे स्टेशनों को अति आधुनिक बनाना, एयरपोर्ट से भी रेलवे स्टेशन ज्यादा अधिक सुविधाजनक हो ये बनाने का हमारा सपना, और उसमें प्राइवेट पार्टी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि ये आर्थिक रूप से एक अच्छी योजना होगी जो सबको लाभ पहुंचाने वाली होगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने राज्य के विकास के लिए हर मुमकिन कोशिश और सहयोग की बात कही। प्रधानमंत्री का मानना है कि हिमालयी राज्यों की एक जैसी समस्याएं और जरूरतें हैं, ऐसे में एक समान मॉडल की जरूरत है। हमारे देश के जो हिमालयन स्टेट्स हैं, उन हिमालयन स्टेट्स के विकास के लिए एक अलग से रूपरेखा की आवश्यकता है। अगर उनका एक कॉमन मॉडल विकसित किया जाएगा तो समस्याओं का समाधान भी बहुत जल्दी होगा, केंद्र के पास भी स्पष्ट विजन होगा, राज्यों की अपेक्षाओं को समझने में केंद्र सानुकूल बनेगा। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नई रेल लाइन के शुरू होने से राज्य के विकास, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जो बाकी हिस्सा रह चुका है, जिसके वजह से ये प्रोजेक्ट जो है हम पूरी तरह से इस्तेमाल कर नहीं पाते हैं, कटरा से लेके बानिहाल तक, इसका जितनी जल्दी जो है इसको हम मुकम्मल कर पाएं, इससे और ज़्यादा इस रियासत के और इस मुल्क के लोगों को जो है पूरा फायदा होगा। जम्मू से उधमपुर तक रेल लाइन पहले ही शुरू हो चुकी है, अब कटरा तक सीधे ट्रेन से पहुंचा जा सकता है। कश्मीर रेल लिंक परियोजना के तहत बनने वाली कटरा और बनिहाल लिंक के 2018 तक पूरा होने की उम्मीद है। इससे पहले पिछले साल 26 जून को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बनिहाल और काजीगुंड ट्रैक का उद्घाटन किया था। कटरा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारामूली जिले के उड़ी में 240 मेगावाट की पनबिजली संयंत्र का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए नई पनबिजली परियोजनाएं सरकार की प्राथमिकता में हैं। भारत के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जाना, एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट को बल देना, ये हमारी प्राथमिकता। जम्मू कश्मीर के इस एक दिन के दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में बादामी बाग की सैनिक छावनी भी गए। वहां उन्होंने सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की और शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो प्रधानमंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे के दरमियान दो अहम बातें सामने आई जिन्होंने कही हैं। पहला, रेलवे के विकास के जरिए जम्मू कश्मीर के विकास की बात कही, और दूसरा, जो हिमालयी राज्य हैं उनके लिए एक अलग तरह के समान मॉडल की बात उन्होंने कही है। चर्चा करेंगे इन्हीं खास बिंदुओं पर। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, उनका स्वागत करता हूँ। इस वक्त विजय गोयल हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं रश्मिकांत, जो कि स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस से। रश्मिकांत जी, स्वागत है आपका। और हमारे साथ राजीव डोगरा साहब हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। डोगरा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत में करना चाहूँगा विजय जी आपसे, जम्मू कश्मीर के लिहाज से, क्योंकि बीजेपी की पहले से मांग रही है न सिर्फ स्टेट में डेवलपमेंट को लेकर, कई दूसरी मांगों को लेकर, लेकिन क्या ये माना जाए कि इस रेल लाइन के साथ जो बात कही पीएम ने कि निजी क्षेत्र को भी रेलवे में जो डेवलपमेंट काम है उसमें भागीदारी के लिए आगे आना होगा, यानी कि पीपीपी मॉडल अब कारगर होगा उन इलाकों में जहां पर अब तक रेलवे की रीच से वो बाहर नजर आते थे, खासतौर पर पहाड़ी राज्य? मैं समझता हूं कि
प्रधानमंत्री ने एक अच्छी शुरुआत की है। उन्होंने अपने चुनाव अभियान की भी शुरुआत जम्मू से की थी और अब उन्होंने ये जो अपनी विकास यात्रा आरंभ की है वो भी जम्मू कश्मीर से उन्होंने आरंभ की है। और ये जो रेलवे लाइन उन्होंने उधमपुर से कटरा की 25 किलोमीटर लंबी ली है, इससे राज्य का बहुत विकास होगा और टूरिज्म भी इससे बढ़ेगा, रोजगार भी इससे बढ़ेगा। जो लाखों श्रद्धालु वहाँ पर आएंगे उसके कारण उसी स्टेट को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से नहीं देखते, वे देखते हैं जम्मू कश्मीर के निवासियों की नज़र से देखते हैं कि भाई उनका कितना विकास होगा। और जैसा उन्होंने कहा कि भाई जितने भी हिमालयन स्टेट हैं या सीमावर्ती हैं उनके अंदर एक मॉडल बनना चाहिए, उनकी समस्याएं क्या हैं, वो देश से और अधिक जुड़े नजर आएं। और इसके लिए उन्होंने केवल ये उधमपुर से कटरा की बात नहीं की, उन्होंने अभी इसको बनिहाल तक लिंक ले जाने की बात करी है जिसका पहले से हमारे पाइपलाइन के अंदर ये प्रोजेक्ट है। उन्होंने उरी में 244 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट की बात की है। तो उन्होंने कहा है कि इन क्षेत्रों के अंदर और ज़्यादा विकास होना चाहिए और अगर हम इन क्षेत्रों को जोड़ सकते हैं तो विकास के जरिए ही जोड़ सकते हैं, कोई और दूसरा तरीका नहीं है। और फिर उन्होंने जो सैनिकों से मुलाकात की तो एक अच्छा मैसेज वहां पर गया है, पूरे पूरे राज्य के लिए एक अच्छा मैसेज गया है कि अच्छा केवल अनुदान दे देना और राज्य अनुदान खर्चा कर ले उस विकास के जरिए जोड़ने की बात जो है। क्या रश्मिकांत जी, क्योंकि इस एजेंडे को या इस मंथ की शुरुआत आपकी भी सरकार ने की थी, मैं ये मानूं कि जो ये एजेंडा या फिर जो सोच थी कि विकास का पहिया जब रेलवे का हो या फिर दूसरे संसाधनों का वो पहुंचेगा जम्मू कश्मीर में तो जो अलग अलग तरह की नाराजगी है वो दूर होगी और जो जोड़ने के लिए है एक बड़े ब्रिज की तरह वो काम करेगा। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। जो आज प्रधानमंत्री जी ने ये रेलवे ट्रैक का उद्घाटन किया, इसका महत्व एक रेलवे ट्रैक से बहुत ज़्यादा है। इसका महत्व ये है कि ये दिखाता है जम्मू कश्मीर के लोगों को कि पूरे भारत की कमिटमेंट है जम्मू कश्मीर की और अन्य राज्यों की भी, बट जम्मू कश्मीर की विकास की तरफ। इससे टूरिज्म बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, ये चीज़ें हैं जिससे कि एक इकोनॉमी बढ़ेगी, लेकिन लोगों के एक मन में बात आएगी कि भारत सरकार की, भारत के लोगों की, सरकार ही नहीं पूरे भारत की एक मंशा है, भारत की सोच है और भारत इस चीज़ को कमिटेड है टोटली कि जम्मू कश्मीर का विकास करना है। रेलवे एक तरीका है, उसके बाद आप टूरिज्म लाएंगे, आप उसके बाद स्कूल खोलेंगे, कॉलेजेस खोलेंगे, कई अन्य चीज़ें खोलेंगे, लेकिन सबसे बड़ा महत्व ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये सिग्नल जाएगा, ये मैसेज जाएगा कि पूरा भारत उनके साथ है और उनको भी पूरे भारत के साथ उसी तरह होना चाहिए। राजीव डोगरा साहब, एज अ डिप्लोमेट आपने तमाम अलग अलग अनुभव हैं, मैं समझना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में जहाँ पर ये कहा गया कि पिछले कई दशकों तक विकास का दीपक नहीं जला, एक बड़ा हिस्सा जो है वो विकास के आधारभूत संरचना से दूर खड़ा नजर आया, क्या वाकई ये जो मूल मंत्र है जिसे आगे बढ़ाने की कोशिश अब ये नई सरकार कर रही है कि विकास का पहिया वहाँ दौड़ेगा तो जाहिर है कि दिल जुड़ेंगे और जो नाराजगी है वो कम होती जाएगी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं 70 के दशक से डिप्लोमेट की हैसियत से जम्मू कश्मीर में जाता रहा हूँ और जम्मू कश्मीर का एक काफ़ी महत्वपूर्ण जोड़ मेरे दिल के साथ है और दिमाग के साथ है, हिंदुस्तान में भी और बाहर भी जब मैं रिप्रेजेंट करता रहा हूँ। पर बार बार मेरे को कुछ ख्याल आते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि सारी सरकार और स्पेशली ये सरकार एक महीने के अंदर ही डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर हो आए हैं जम्मू कश्मीर, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हो के आए हैं और मैसेज ये दे के आए हैं कि जैसे अभी आपके गेस्ट ने कहा कि पूरा हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर के साथ है और वाकई ही साथ है, सेंटिमेंटली, इमोशनली और कंस्ट्रक्टिवली। पर दूसरी तरफ से हमको ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ से कल क्या स्टेटमेंट आई और पाकिस्तान और चाइना में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ दरमियान, काराकोरम हाईवे बन गई है, उसके बाद रेल लिंक एक बना रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू, लद्दाख के दूसरी तरफ उन्होंने रेल रोड के पूरे एक जाल से बिछा दिए हैं। तो ये एक पूरे भारत को और जम्मू कश्मीर स्पेशली
एक मेजर सिक्योरिटी कंसर्न है। तो कश्मीर के निवासियों को और जम्मू कश्मीर के निवासियों को ये भी सोचना चाहिए कि भारत से वो अगर अपने आप को दूर दूर रखेंगे तो अल्टीमेटली उनका ही नुकसान है, क्योंकि 1947 से लेके पाकिस्तान की तरफ से जो कबाइले आए थे उन्होंने कश्मीर की औरतों को लूटा हर तरह से। बिल्कुल, तो वो उस चीज से बाज आने वाला नहीं है और आने वाला दौर बहुत खतरनाक है। लेकिन डोगरा साहब, क्या ये माने कि जब सरकारी एस्टैब्लिशमेंट जैसे प्रधानमंत्री जी, जब इस तरह के अगर रेलवे जैसे कि नई लाइन की शुरुआत हो रही है, कई और इलाकों तक रेलवे की पटरियां दौड़ेंगी, कुछ और सरकारी एस्टैब्लिशमेंट वहां पर जब सरकार तैयार कराएगी, तो जो बात जिसका जिक्र कर रहे हैं, जो एक आशंका जो कि दूसरे देशों में सीमा के उस पार नजर आती है, उसी तरह के हमें अपने वहां पर एस्टैब्लिशमेंट तैयार करने होंगे, सरकारी संस्थान, सेवाएं, ताकि जनता का न सिर्फ भरोसा बल्कि विकास के जरिए जो उसकी जुड़ने की एक इच्छा है वो तेजी के साथ पनपे, प्रज्वलित हो और उसको हम अपने में समाहित कर सकें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और ये पहला कदम है जो आज जो रेलवे लाइन हुई है या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट सेटअप हुआ है, ये पहले कदम है, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल भरपूर है। पर उसके लिए, चाहे वो टूरिज्म का हो या डेवलपमेंट का हो, उसके लिए भारत के दूसरे हिस्सों से इंडस्ट्रीज को इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोत्साहन जम्मू कश्मीर के लोगों को देना पड़ेगा और अपने दरवाजे और दिल खोलने पड़ेंगे। मेरे को इतने सालों का जो एक्सपीरियंस यही है कि एक मेजर फॉल्ट ये रहा है कि सब कुछ देते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से वो कदम नहीं उठाए गए या वो हाथ नहीं फैलाए गए कि जिससे एक खुले दिल से बात हो। यही जम्मू कश्मीर के लोग हैं जो 65 में और 1947-48 में पाकिस्तान के घुसपैठियों को उन्होंने सबसे पहले जाके लड़ाई की थी, और अब वो जाके कुछ ऐसे अलगाववादियों से उत्साहित हुए हैं या उनसे उनका खौफ है, तरीके से कहा जाए मिसगाइडेड हुए हैं, कि खौफ नहीं, उनकी गलतफहमी है। यही समझना चाह रहा था कि गलतफहमी जो है, इस गलतफहमी को कैसे बेपर्दा किया जाएगा विजय गोयल साहब, क्योंकि बहुत अहम है सरकार के लिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सरकार बनने के बाद वित्त मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, खुद प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर जाते हैं एक संदेश देने की कोशिश, बहुत ही अच्छी शुरुआत दिख रही है। लेकिन दो अहम पॉइंट्स हैं, विकास को लेकर संकेत साफ हैं, अब दूसरे इसी विकास के संकेत के साथ जो गलतफहमी का पर्दा है उसे हटाने की कवायद होगी और जो देरी हुई है उसको दुरुस्त किया जाएगा। जाहिर तौर के ऊपर जो भी गलतफहमी है उसको दूर किया जाएगा, और सबसे बड़ी बात है इसमें अलगाववादियों को भी एक संदेश जाएगा कि भाई अगर क्षेत्र की जनता के लिए विकास हो रहा है तो वो इसके अंदर कहीं भी रोड़े नहीं बनेंगे, क्योंकि इससे अल्टीमेटली जो फायदा है वो जम्मू कश्मीर की जनता को ही होने वाला है, किसी दूसरे को नहीं होने वाला। और दो दो मंत्री वहां पर होकर आए हैं, इससे एक साफ मैसेज जा रहा है सीधा सा कि हम, ये जो नई सरकार है मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, जम्मू कश्मीर और सीमावर्ती और ये हिमालयन जितने भी क्षेत्र हैं उनको ऊपर ज़्यादा तवज्जो देने वाली है, ज़्यादा विकास करने वाली है। तो जाहिर तौर पे जनता भी इस मैसेज को देखेगी कि जब यहाँ पर जो विकास हो रहा है और उसमें राज्य सरकार को भी कॉन्फिडेंस मिले के बात की जा रही है, तो अलगाववादी भी उससे ढीले पड़ेंगे, ऐसा मुझे संदेश जाता हुआ साफ तौर से इसके ऊपर लगता है। और ना केवल ये कि रेल लिंक तक सीमित रहेगा विकास, चाहे वो फिर पावर है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कॉलेज है, या और जो डेवलपमेंट है या टूरिज्म का विकास है, उन सब क्षेत्रों के अंदर जब आगे बढ़ेंगे तो वहां की जनता भी और ज्यादा इस बात को महसूस करेगी कि भारत के साथ और ज्यादा लिंकअप उनका जो है और गूढ़ बाकी क्षेत्र की जनता से उनका होना चाहिए। जी रश्मिकांत जी, एक और जो अहम बात रही और पिछली सरकारों में जो सीमावर्ती राज्य हैं उनकी मांग भी रही है कि हमें एक तरीके से कई बार हमारी मांगों को अनदेखा किया जाता रहा है, चाहे उस सुरक्षा के मामले हो, और जैसे खुद हमारे जो राजीव डोगरा साहब बता रहे हैं कि सीमा के उस पार अगर देखिए, किसी भी सीमा के उस पार वहाँ पर अलग तरह के एस्टैब्लिशमेंट और डेवलपमेंट के काम वहाँ की सरकारों ने, उन देशों ने किए हैं, क्या वाकई जो एक नए फार्मूले की बात मोदी साहब कर रहे हैं वो वाकई कारगर है और उसकी ज़रूरत है इस वक्त, अगर हमें सीमा के उस पार देखें और उससे हम अपने को कंपेयर करें तो? देखिए, मैं इसमें दो चीज़ें कहना चाहूँगा। मैं
काफ़ी हद तक राजीव डोगरा जी के मत से सहमत हूँ, लेकिन मैं आपको दो छोटे से आंकड़े देना चाहता हूँ जिससे ये दिखाएंगे कि जम्मू और कश्मीर के लोगों में अधिकतम अलगाववाद की जो सोच थी जो 20 साल पहले थी वो बहुत कम हो गई है। और मैं आपके इस सवाल पे आऊँगा, जैसे 2005 में इंसिडेंट जो हुए थे वायलेंस के 1990 थे, 190 सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए थे, सिविलियन 557 मारे गए थे और टेररिस्ट जो ये थे आतंकवादी उन 917 मारे गए थे। 2012 तक ये इंसिडेंट 1990 से लेके 220 तक आ गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के मरने का जो 190 का आंकड़ा था वो 15 तक आ गया, सिविलियंस का जो मरने का आंकड़ा था 557 वो 15 तक आ गया, जो आतंकवादियों को मारने का मामला था वो 917 से 72 तक आ गया। ये एक चीज़ दिखाती है कि कश्मीरी लोगों में एक बहुत छोटा सा तबका है जो आतंकवाद फैलाने की कोशिश करती है, जमात असामी है इस तरह जो पाकिस्तान के साथ मिली हुई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक तरफ सरकार भरोसा है कि एक तरफ सरकार ज़रूर विकास का काम करेगी, ज़रूर कश्मीरियों को जोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन साथ साथ वो बिल्कुल परहेज करेगी कि किसी भी तरीके से सुरक्षा पे कोई आंच ना आए, कि अगर पाकिस्तान कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करे, जो वो जरूर करेगा, उसके ऊपर हमें पूरी कड़ी नजर रखनी चाहिए। हमें कोई रोमांटिक व्यू नहीं रखना चाहिए। पाकिस्तान की ISI है जो अभी अब अमेरिका के सैनिक जाएंगे अफगानिस्तान से, वो तालिबान को यहाँ भेजने की कोशिश करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब भी विकास का पहिया आप घुमाने की कोशिश करेंगे वहां पर उसे नाकाम या फिर उसको ब्रेक करने की कोशिश जरूर की। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो इसमें हमें ये दो चीज़ें सोचनी चाहिए, विकास का काम करना चाहिए, ये बहुत अच्छा कदम है, ये सब सरकारें करती आई हैं। शायद कश्मीरियों ने पूरी तरह से इस चीज़ को दिखाया नहीं है लोगों की भारत सरकारों ने पिछले कई सालों से कितना काम विकास का करने की कोशिश किया, खासकर कश्मीरियों के लिए, कई बार बाकी हिंदुस्तानियों से ज्यादा के लिए। बिल्कुल। अब मैं सीमावर्ती अगर राज्यों की बात करूँ, हिमालय राज्यों की बात, अब सीमावर्तियों की बात अगर बात करें तो जिस तरह आप लद्दाख जो कश्मीर का पार्ट है या नॉर्थ ईस्ट का, उत्तर पूर्व का देखें, उसमें भी आप देखिए उत्तर पूर्व में भी लोगों को एक मन में तो मत है कि कुछ उनके साथ ज्यादती हुई, लेकिन ज्यादती नहीं हुई है। लेकिन हमें सुरक्षा के की दृष्टि से बिल्कुल कड़ी नजर रखनी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी 1% भी उसमें वीकनेस कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। और जो नए कदम उठाएंगे, नई सड़कें बनाने की बात चल रही है, ये चल रही है, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए। विकास के साथ साथ ये दोनों चीज़ें एक साथ चलनी चाहिए। मैं भी 1990 से देख रहा हूँ, 1986 से 1994-95 तक बहुत काम किया कश्मीर में, और 1990 में मैंने देखा जब जिस तरीके जब मैं गया रुबैया सईद की किडनैपिंग के बाद, एक दिन के बाद तो कश्मीर की सड़क पे सिर्फ सैनिक नजर आते थे। इस तरीके का आतंकवादियों ने माहौल फैलाया हुआ था कि घड़ियों में जो टाइम था पाकिस्तान का लिखा हुआ था, आज वो स्थिति बदल गई। स्थिति बिल्कुल बदल गई, लेकिन अभी भी जहां पर हालात चिंताजनक हैं, जिसकी तरफ जिक्र किया जा रहा है, यानी कि वो सीमावर्ती राज्य हिमालयी क्षेत्र, और जिसका जिक्र डोगरा साहब भी कर, डोगरा साहब वाकई अगर किसी भी हिमालयी राज्य की तरफ आप जाइए और उसके बाद सीमा के उस पार के इलाके से कंपेयर कीजिए तो एक बड़ा फर्क दिखता है। एक बड़ी चिंता उन राज्यों की रही है। आपको लगता है कि सरकार जिस नए फॉर्मूले का इशारा कर रही है, जिसकी बात कर रही है, वो उन चिंताओं को दूर करने में सक्षम होगा और साथ ही साथ तेजी के साथ उसे इंप्लीमेंट भी किया जाए? उम्मीद तो यही करनी चाहिए, क्योंकि सरकार काफी एनर्जेटिक वे में अपना प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। मैं 2-3 उदाहरण आपको देता हूं। नॉर्थ ईस्ट के बच्चे अब दिल्ली और साउथ इंडिया वगैरह सब जगह फैले हुए हैं, तो काफ़ी जो कम्युनिकेशन गैप था आज से 8-10 साल पहले नॉर्थ ईस्ट और रेस्ट ऑफ इंडिया में, वो काफ़ी कम होता दिखता जा रहा है। पर सिर्फ ट्रैवल से या एजुकेशन से एक गैप कम नहीं होगा। आज भी आप देखें कि नॉर्थ ईस्ट के एक इलाके से दूसरे इलाके में ना रेल लिंक है, ना रोड लिंक है, ना एयर लिंक है। तो काम बहुत है सरकार को करने के लिए, और वो 1 साल या 2 साल या 5 साल में कर नहीं पाएगी, इतने ज़्यादा काम है। पर कमिंग बैक टू कश्मीर के ऊपर वापस आते हुए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 4-5 साल में ज़रूर
टेरर इंसिडेंट्स कम हुए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी नियत बदल गई है। बिल्कुल, सीमा पार वालों की अगर नियत बदलती तो हाफिज सईद बॉर्डर के आसपास मंडराते नहीं जो आजकल मंडरा रहे हैं, और वो ऐसा कुकर्म नहीं करते जो हेरात में करने जा रहे थे जब नरेंद्र मोदी शपथ लेने वाले थे। अगर वो सफल हो जाते तो बहुत भयंकर परिणाम होते, और ना ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट बेबुनियाद की कल स्टेटमेंट देती ऑफिशियल तौर पे। सो उनकी नियत बदली नहीं है, बदला ये है कि अमेरिकन प्रेशर और अफगानिस्तान में वो जो अपने रिजल्ट्स लेना चाहते हैं इसके लिए वो अटेंशन कश्मीर से थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट की, इसीलिए हमारे को जरा सी राहत मिली। पर जैसे ही इलेक्शंस आएंगे अगले चंद महीनों में कश्मीर में, मेरे को ये लगता है कि थोड़ा सा उसमें एटमॉस्फेयर गरमाएगा। चलिए, यानी कि वहां पर भी आपको कह रहे हैं कि नजर रखने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। इसमें एक छोटा सा मुद्दा और है जी, मैं एक पॉइंट मैं ले चाहूंगा गोयल साहब से। गोयल साहब, एक जो सबसे बड़ी चिंता रही है, जिसे मैं कहूं कि एक बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट रहा है, कि जो भी हिमालयी राज्य हैं या फिर जो सीमावर्ती राज्य हैं वहां पर डेवलपमेंट का काम सिर्फ सरकारों के भरोसे रहा है। आज जो संदेश या संकेत मैं कहूं प्रधानमंत्री ने दिया वो ये है कि यहां पर पीपीपी मॉडल अपनाने की बात भी उन्होंने कही, इशारा किया कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के जरिए या प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए। वाकई क्या ये फॉर्मूला आपको लगता है, क्योंकि उन राज्यों में सुरक्षा एक सबसे बड़ी चिंता है, जहां पर क्या वाकई प्राइवेट कंपनियां प्राइवेट इन्वेस्टर्स पहुंचेंगे, कैसे इसको आप लोग संभालेंगे, कैसे उन्हें आगे ले जाएंगे? सबसे बड़ी बात है उनके अंदर विश्वास पैदा करने की जरूरत है, दूसरी बात यह है कि वहां पे सुरक्षा के इंतजाम अच्छा करने की जरूरत है, उसके बाद ही प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप वहां पर हो सकती है। अभी तक आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जो सीमावर्ती राज्य हैं या जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं जिन लोगों को बड़ा भारी अनुदान मिलता है, वह अनुदान पूरा का पूरा वहाँ खर्च नहीं होता, उसमें बहुत सारा साइफन ऑफ हो जाता है। केंद्र सरकार को ये भी देखना पड़ेगी कि भाई राज्य सरकारें जो पैसा इन राज्यों को दिया जा रहा है उसको ठीक तरह से खर्च करें, और फिर एक माहौल पूरे प्रदेशों के अंदर इनके अंदर बनाना होगा, और उसमें केंद्र सरकार को भी अपने कुछ डायरेक्ट प्रोजेक्ट सीधे शुरू करने पड़ेंगे जिससे कि उन राज्यों को और ज़्यादा सपोर्ट मिले। और फिर ये भी है कि जो अनुदान मिल रहा है उसको भी देखना बहुत जरूरी है कि वो अनुदान पूरा यूटिलाइज हो। पिछले सालों के अंदर ये देखने के अंदर आया है कि इन राज्यों को जो अनुदान मिलता रहा है उसका पूरा पैसा वहाँ के जनता के लिए उसका उपयोग नहीं होता हुआ है। और आप देखेंगे अगर सुरक्षा होगी, पैसे का सदुपयोग होगा और वहाँ डेवलपमेंट होगी और केंद्र सरकार भी वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट लेकर जाएगी, तो जाहिर तौर पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अच्छी हो पाएगी और प्राइवेट लोग भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि इन राज्यों के अंदर टूरिज्म का पर्यटन का बहुत ही अच्छा स्कोप है। क्योंकि मैं इन राज्यों में खुद गया हूँ, मैंने देखा है कि यहाँ इन सब जगह के ऊपर स्कोप बहुत अच्छा है, तो कोई मेरे को लगता है कि अविश्वास करने की बात नहीं है कि ये राज्य उसके लिए आगे, ये पर प्राइवेट लोग उसके लिए आएंगे और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में और अधिक काम हो सकेंगे। जी रश्मिका जी, जो आप कहना चाहते हैं उसके साथ एक छोटा सा मैं था कि अब तक यही कहा जा रहा है, या फिर अगर कभी भी आप प्राइवेट लोगों से बात कीजिए जो कि बड़ी कंपनियां हैं जो इन्वेस्ट करना चाहती या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हैं, वो डरती रही इन इलाकों में जाने से। सरकार का नया एजेंडा है कि उन्हें हम लेकर जाएंगे, लेकिन सवाल वही है, सुरक्षा और भरोसा कैसे डेवलप होगा? देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि जो पूंजीपति जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं जिसमें पूंजीपति अपनी पूंजी भी लगाए सरकार के साथ, उनको पूरा 100% भरोसा चाहिए, 100% नहीं 1000% भरोसा चाहिए। आपको याद होगा कि वहाँ का जो महल था श्रीनगर में, उसको एक दिल्ली के बिजनेसमैन ने एक होटल के लिए खरीद लिया था, बंद कर दिया क्योंकि पूरा विश्वास नहीं हुआ। क्योंकि जब आप सिक्योरिटी की बात करते हैं, हमें अपने मन में कोई शंका नहीं रखनी चाहिए कि जितना हम विकास करेंगे उतना ही पाकिस्तान गड़बड़ करने की कोशिश करेगी। पाकिस्तान के बारे में कह रहा हूँ, अभी मैं उत्तर पूर्व पर नहीं पहुँचा हूँ, मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर में कह रहा हूँ। और दूसरी चीज़ है, इसके साथ साथ भरोसा हम सिर्फ उन कश्मीर में जो इस वक्त वैली के अंदर लोग बैठे हैं उनके भरोसे की बात नहीं है, जो बात जो जम्मू में लोग हैं जो कश्मीर की वैली वादी छोड़ के जम्मू आए, उनको किस तरीके से वापस लेके आएंगे, उनको किस तरीके से सुरक्षा देंगे, ये अभी तक बातें राजनीतिक पार्टियां करती आई हैं, लेकिन इसको किस तरीके से अमल करेंगे जिस उस चीज से भरोसा बढ़ेगा, ये एक मूल स्टेप होगा
कि जिसमें कश्मीरी जो भी कश्मीर से माइग्रेंट आतंकवाद की वजह से गए हों, चाहे हिंदू हों, जो अधिकतर 95% हिंदू थे, कुछ मुसलमान भी थे, कुछ बुद्धिस्ट भी थे जो छोड़ के गए, जब वो चले जाएंगे और अपने उन्हीं घरों में सेपरेट एनक्लेव बना के नहीं लेकिन अपने घरों में जिनको सिक्योरिटी मिलेगी, उससे पूरे भारतवासी को ये विश्वास मिलेगा कि अगर ये लोग चले गए, इनको विश्वास हो गया वहाँ जाने का, तब पीपीपी मॉडल और आप जो विकास के अलग अलग मॉडल अलग अलग तरीकों के बात कर रहे हैं वो बात बढ़ेगी। तभी मैं कहता हूँ ये दोनों चीज़ें मैंने शुरू में जैसे आपको बोला, विकास बहुत ज़रूरी है और विकास हुआ भी है, लेकिन साथ साथ जिस तरह विजय गोयल जी ने बोला ये बिल्कुल ठीक है कि इस पर बहुत कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी कि जो विकास के लिए अरबों रुपये भारत सरकार ने पिछले 50 साल में खर्च की हैं ये भ्रष्टाचार में ना जाएं। इस चीज का बिल्कुल सदुपयोग होना चाहिए, इसका बिल्कुल करेक्ट यूज होना चाहिए। ये भी देखने में आया कि वहां पर काम को लेकर अगर सरकारें कोई टेंडर निकालती हैं तो कोई भी बड़ी कंपनियां इंटरेस्टेड नजर नहीं आती हैं, वो काम पूरा नहीं हो पाता, फंड वापस चलाता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, कोई उदाहरण बहुत पुराना है, उदाहरण 1920 साल पहले का। मैं सोपोर के पास एक गांव में गया, वहाँ मैंने देखा सड़क से कोई 10 मीटर दूर एक पानी की पाइप लगी थी, उसके बाद कोई 150 मीटर पाइप खाली थी और उसके बाद पाइप और 10 मीटर चली और उसके ऊपर नलका था। तो मैंने किसी से पूछा, भैया ये पाइप बीच में ये 150 मीटर पाइप क्यों नहीं बनी? उन्होंने उस समय बताया कि जी 60 लाख जो मुझे बताया गया 60 लाख रुपया अप्रूव हुआ था पाइप उस बनाने का, जिससे कि नलके आके लोगों के कुएं पे जाना ना पड़े, उस नलके के पास जाना ना पड़े बट उसके थ्रू हर एक के घर पानी जाए। उन्होंने कहा 4 लाख रुपया पाइप पे खर्च हुआ और अफसर 56 लाख रुपए खा गए। करप्शन एक बड़ा मुद्दा रहा है। डोगरा साहब, अब तक जो एक नीति दिखी है आप बेहतर समझा सकते हैं, जवाब देने की बात या फिर अगर आतंकी कुछ मंसूबे हैं उनको नाकामयाब करने की कोशिश, इसके साथ साथ विकास के पहिए को उसी स्पीड के साथ रफ्तार देना और उसके साथ ही दोनों अगर किया जाए, यानी कि पैरेलल जो हमें दो फ्रंट पर लड़ाई लड़नी है, विकास के मुद्दे पर, विकास के मसले पर, और दूसरा जो लगातार आपने कहा कि अलर्ट रहने की ज़रूरत है, वो लोग कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि हर्डल्स सामने आए और विकास का पहिया तेज़ रफ्तार से न चले, यानी दो बड़े चैलेंजेस जो आपको लगता है कि अगर इस पर हम काबू पा लें तो शायद ये बड़ी समस्या जल्द तो नहीं लेकिन करीब एक दशक तक अगर हम इस पर आगे बढ़ें तो शायद ये खत्म दिखे। दशक, एक दशक, दो दशक, जो भी। मैं इसका आपने बिल्कुल सही कहा कि ये चैलेंजेस हैं और शायद ये बड़ी समस्या कुछ देर और चलेगी, पर अगर हम कोशिश करें और हम में, मैं ये कह रहा हूँ कश्मीरी लोग ज्यादा, क्योंकि छोटी सी कोई बात होती है, मोदी जी का जैसे विजिट भी थी तो ग्रैंड मुफ्ती ने कोई ऐसा भाषण दे दिया जो उनको पॉलिटिकल पर्पसेस में सूट करता है, या किसी और ने ऐसा भाषण दे दिया जो टेम्परेरीली उनको पॉलिटिकल पॉइंट्स दिलवाता है। तो एक तो पहले ये चीज़ कश्मीरी लीडर्स को खुद बंद करनी पड़ेगी कि भड़काऊ भाषण देने की जगह वो विकास के भाषण देने शुरू करें। यह बड़ी कठिन बात है क्योंकि उनको सीटें चाहिए और उनको पॉपुलैरिटी, मास पॉपुलैरिटी चाहिए। तो एक तो अपना एटीट्यूड उनको बदलना पड़ेगा, दूसरा भारत सरकार को, जैसे बाकी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं आपके दो मेहमानों ने, एक चीज़ और करनी पड़ेगी कि कश्मीर हम बहुत लूजली डिफाइन करते हैं कि श्रीनगर वैली, कश्मीर जो है जम्मू भी है, जम्मू के आसपास और डिस्ट्रिक्ट्स हैं, श्रीनगर, बारामूला, लद्दाख तक है, हर पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हमको डेवलप करना चाहिए और उसमें इक्वल अटेंशन पे करनी चाहिए। और मैं बार बार इस चीज़ को एम्फसाइज करूँगा कि अगर श्रीनगर के आसपास 15 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाए तो अपने आप श्रीनगर वालों को ये होगा कि भैया वो तो आगे निकल गए, हम क्यों पीछे रह गए ये लड़ाइयाँ करते करते। सो एक तो हमको जो डेफिनेशन है ऑफ कश्मीर वो दिल्ली में बैठ के चेंज करनी पड़ेगी कि कश्मीर सिर्फ श्रीनगर नहीं है, सभी हिस्सों पर फोकस करना होगा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तीनों पे, सारी जगह। जी सर, वक्त खत्म हो रहा है, माफी चाहूंगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस अहम मसले पर बातचीत करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। और ये थी हमारी आज की पहली खबर।